हेलो फ्रेंड्स, आर्चल सिक्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कमांड सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रेप कमांड के थ्रू कैश इंसेंसिटिव सर्च कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन आई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करते देख लीजिए। सबसे पहले ग्रेप कमांड, फिर हाइफन आई ऑप्शन, फिर स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, उसके बाद फाइल का नाम, कौन सी फाइल से आपको सर्च करना है। तो इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसके लिए मैंने एक फाइल बना रखा था कैट कमांड से। उस फाइल का कंटेंट देख लेते हैं। जैसे ये फाइल बनी हुई, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं। अब उस लाइन से मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है, तो कोई स्ट्रिंग सर्च करनी है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जिस लाइन में एप्पल लिखा हो वो लाइन ये प्रिंट करें। तो देखिए, ऐसे एक ही लाइन मैच हुई है जिसमें ये स्ट्रिंग अवेलेबल है एप्पल, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एप्पल लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने जो एप्पल लिखा था उसमें ये ए स्मॉल था और इसमें ए कैपिटल है। यानी अगर आप हाइफन आई ऑप्शन यूज नहीं करते तो ये कैश भी चेक करेगा कि आपने जो स्ट्रिंग प्रोवाइड की है उसका कैश भी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कैश भी मैच करेगा। यदि आप चाहते हैं कि कैश मैच ना करें, कैश इंसेंटिव यूज करें, तो इसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन आई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और उसके बाद में स्ट्रिंग और फिर फाइल का नाम। तो देखिए, अब ये कैश मैच नहीं कर रहा है, यानी जिस लाइन में एप्पल लिखा हुआ है वो लाइन ये प्रिंट करके देगा, आउटपुट में शो करेगा। यानी जिस लाइन में भी एप्पल लिखा हो उन सभी लाइन को ये डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रकार आप ग्रेप कमांड के थ्रू कैश इनसेंसिटिव सर्च कैसे यूज करते हैं वो इस वीडियो में सीख लिया है। अब उसके बाद बात करते हैं चेकिंग फॉर एंटायर पैटर्न। यानी जो भी आपने स्ट्रिंग सर्च की है, सर्च करना चाहते हैं, वो पूरा पैटर्न सर्च करें, न कि सब स्ट्रिंग सर्च करें। तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए आपको हाइफन डब्ल्यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा साथ में, हाइफन डब्ल्यू। तो कैसे यूज करते देख लीजिए। जैसे मैं सर्च करता हूँ ग्रेप dscp.com/sample। तो देखिए, ये दो लाइन मैच हो रही है यहाँ पर dscp.ये इस स्ट्रिंग से दो लाइन मैच हो रही है, और सिर्फ हम DSP यूज करके देखते हैं। तो देखिए, इस स्ट्रिंग से तीन लाइन मैच हो रही है इस फाइल में DSP, लेकिन इसमें जो यूज हो रहा है वो सब स्ट्रिंग यूज हो रहा है, यानी सेपरेट नहीं, पूरा एंटायर पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। यानी सिर्फ क्या मैच हो रहा है, DSP मैच हो रहा है, DSPD मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह आपको क्या करना है कि पूरा वर्ड सर्च करना है, पूरा एंटायर पैटर्न मैच करवाना है। तो इसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन डब्ल्यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, DSP आपका पैटर्न, फिर फाइल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन मैच हो रही है एंटायर पैटर्न से, इसलिए वो लाइन शो कर रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये मैच हो रहा था, ये मैच हो रहा था, ये मैच, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा एंटायर पैटर्न मैच करना चाहते हैं ग्रेप कमांड के थ्रू, तो आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन डब्ल्यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।